नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीनर गार्डनिंग। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सीडलिंग लगाने वाला हूँ, जो मैंने अफोर्डेबल ऑर्गेनिक स्टोर से मैंने सीडलिंग बाय की थी। और मैं पेटूनिया, देसी येलो मारीगोल्ड और चेमोमाइल सीड, जिसे बबूना भी कहते हैं, उसकी मैं आज सीडलिंग लगाने वाला हूँ। दोस्तों, ये सीडलिंग लगाने के लिए मैंने पहले से ही पोटिंग मिक्स रेडी रखा हुआ है, जिसमें मैंने 50% सोई लिया हुआ है, 30% कोकोपीट लिया हुआ है और 20% मैंने कंपोस्ट डाला हुआ है। सबसे पहले जो गमले मैंने रेडी रखे हैं उसमें हम ये पोटिंग मिक्स भर देते हैं। दोस्तों, ये पेटूनिया के सीड्स हैं जो काफ़ी बारीक होते हैं और उसे बड़ी सावधानी पूर्वक हमें लगाना है। अलग अलग जगहों पे स्प्रिंकल करेंगे हम, इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। बारीक होने के कारण हमें उसे अलग अलग जगहों पर स्प्रिंकल करना होगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कोकोपीट का हल्का लेयर। दोस्तों, हम ये कोकोपीट का जो हल्का लेयर है हम उस पर स्प्रिंकल करेंगे ताकि सीड हमारा आसानी से जर्मिनेट हो। अभी हम इस पर वाटरिंग करेंगे इस तरह से, ताकि वो सॉइल ऊपर की गीली हो जाए, उतना हम वाटरिंग करेंगे इस पर। अभी हमें क्या करना है, जो भी पॉट हमने रेडी किए हैं उस पर हम प्लास्टिक रैप लगा लेंगे ताकि अंदर मॉइस्चर मेंटेन हो, इस तरह से। सारे गमले में मैंने प्लास्टिक रैप लगा दिया है। अभी हम सभी को हम शेड में रख देते और वेट करते हैं 3-4 दिन तक, कभी जर्मिनेट होता है उसके बाद मैं ये सभी की अपडेट आपको बताऊंगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। 4 दिन के बाद की अपडेट है ये। सीड्स काफ़ी अच्छी तरह से जर्मिनेट हुए हैं और मैंने ऑलमोस्ट जितने भी सीड्स मैंने डाले थे शायद सभी सीड जर्मिनेट हो गए हैं। फोर्टीन डेज लेटर अपडेट आफ्टर सीड जर्मिनेट, ये अपडेट है मेरे सीड की। जर्मिनेशन रेट काफ़ी अच्छी है। बाकी की अपडेट मैं तभी बताऊंगा जब ये सीड्स 1 या 2 इंच के होंगे, तब मैं उसे ट्रांसफ़र करूंगा अलग अलग छोटे छोटे पॉट में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।